गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? तो मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त अलका दीक्षित, लेकर आई हूं आज आपके लिए टॉपिक दैट इज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें से कोई ना कोई टाइप जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को एग्जाम में आता ही है। ये जो सिलेबस है ये बीटेक, बीसीए, एमटेक और एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। आप सबको पता है इंस्ट्रक्शन क्या होती है। प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हमने पढ़ा है। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमने सुना है कि प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन के लिए फॉर्मेट क्या होगा, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट हम किस तरह से डिसाइड करेंगे, उससे पहले हम समझते हैं कि एन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और द इंस्ट्रक्शन कोड इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स यूज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑन द डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है हमने कंप्यूटर में, जो भी डेटा है उसके ऊपर। भाई डेटा के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, है ना। जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स हैं उस पर तो हम कोई नहीं करें, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। हमें क्या चाहिए, डेटा, और डेटा के ऊपर ही हम क्या करेंगे, जैसे हम फाइल बनाते हैं तो फाइल को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, एडिट करते हैं, न्यू करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। उसी तरह हम डेटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, लोड करेंगे, अपडेट करेंगे, है ना। तो कई तरह के ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन हम इसको बारी बारी से स्टडी करेंगे। सो प्रोसेसर फैचेस एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड डिकोड द बिट टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। प्रोसेसर जो है उसका काम तो ये है कि प्रोसेस करना है, मुझे भाई डेटा दो, मुझे इंस्ट्रक्शन दो, जो भी इंस्ट्रक्शन वो मेमोरी से लेता है, क्योंकि मेमोरी में ही जाके डेटा स्टोर है। तो स्टोर डेटा पे ही हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशन को इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में हम फर्दर फॉरवर्ड करेंगे। प्रोसेस हमारी इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा बिट्स को और एग्जीक्यूट कर देगा इंस्ट्रक्शन को। सो डिफरेंट कंप्यूटर्स में हैव देयर ओन इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। हर एक कंप्यूटर जो है उसके अपने अपने इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। जैसे रिस्क सिस्क में हम लोगों ने स्टडी किया ही है, अगर नहीं किया है तो मैं जल्दी ही उस टॉपिक पर भी लेक्चर ज़रूर बनाऊंगी। नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रक्शन कोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेमली ऑपरेशन कोड एंड द एड्रेस ऑफ द डेटा। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन कोड कंसिस्टिंग ग्रुप ऑफ बिट्स टू डिफाइन एन ऑपरेशन सच एज ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब हमें इन ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं जो भी इंस्ट्रक्शन है उसका फॉर्मेट क्या रहता है जी। सपोज हमारे पास क्या है, एक 16 बिट इंस्ट्रक्शन है। 16 बिट इंस्ट्रक्शन में 0 से लेकर जो 11 तक है ना, वो एड्रेस के लिए रिजर्व रहता है, यानी कि जो भी एड्रेस से हमें डेटा लाना है, फिर उस पर हमें क्या करना है, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, ऑपरेंड्स होंगे, ऑपरेंड वन, ऑपरेंड टू, वो किसी न किसी एड्रेस पे रिजाइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 12 to 14, दैट इज़ द कंडीशन फॉर द ऑपकोड, एंड द 15th, यानी कि 14 to 15 ऑनली वन बिट विल बी स्टोर्ड फॉर द मोड ऑपरेशन। चलिए फर्स्ट जो है 12 बिट्स 0 से 11 स्पेसिफाई एन एड्रेस, नेक्स्ट 3 बिट स्पेसिफाई ऑपरेशन कोड दैट इज ऑपकोड, नेक्स्ट इज लेफ्ट मोस्ट बिट, ठीक है, यानी कि ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो क्या करेगी, स्पेसिफाई द एड्रेसिंग मोड। अब ये जो आई है, यानी कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट जो आई है, जो मोड बिट है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आई की वैल्यू, इफ़ द वैल्यू ऑफ आई इज़ 0, देन इट विल डायरेक्ट अस एज अ डायरेक्ट एड्रेस, ठीक है। और आई की वैल्यू इफ़ 1, फॉर इट इंडिकेट्स इट इज़ एन इनडायरेक्ट एड्रेस, यानी कि जो हम अगर शुरू से गिनना चाहें या आप लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उसको देखना चाहें, तो वो अगर 0 है तो वो डायरेक्ट एड्रेस को इंडिकेट करिए, लेकिन अगर वो 1 है तो इट शोज द इनडायरेक्ट एड्रेस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम जो है ये जो रजिस्टर रेफरेंस है वो इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई करता है ऑपरेशन और द टेक्स्ट ऑफ द एसी रजिस्टर, ठीक है, यानी कि अकुमुलेटर रजिस्टर। लेकिन अब यहाँ देखिए, अगर 0 टू 11 है एड्रेस है, 12 टू 14 है ऑपकोड है, और 15 है आई, ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है, दीज आर द मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। 3 टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। फर्स्ट आता है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, सेकंड इज रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, एंड द थर्ड वन इज इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन से है, जिसमें हमने चेक किया कि 0 से 11 एड्रेस के लिए है, 12 टू 14 ऑपकोड के लिए है, और 15 क्या है वो मोड बिट के लिए है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि रजिस्टर रेफरेंस में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट, सॉरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो क्या है, 0 है, लेकिन यहाँ पर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 है। चलिए अब इन छोटी छोटी टर्म्स को समझते हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में ऑपकोड क्या होता है। ऑपकोड मींस ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन हमें क्या परफॉर्म करना है, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इट स्पेसिफाइज। सो नेक्स्ट इज द एड्रेस फील्ड, डेजिग्नेट्स मेमोरी एड्रेस, यानी कि मेमोरी एड्रेस और द एड्रेसेस ऑफ द प्रोसेसर रजिस्टर, एंड द मोड फील्ड डिटरमाइंस हाउ द एड्रेस फील्ड इज टू इंटरप्रेट टू गिव द इफेक्टिव एड्रेस और द ऑपरेंड, ठीक है। मोड फील्ड जो है वो डिटरमाइन करती है कि एड्रेस फील्ड जो हमने इंटरप्रेट करना है इज द इफेक्टिव और गेट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ और द ऑपरेंड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी द नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड्स,
इन द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सीपीयू। ठीक है, क्यों? हर एक सीपीयू का अपना अपना इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है। तो फर्स्ट 12 बिट्स 0 टू 11 स्पेसिफाई द एड्रेसेस, द एड्रेस फील्ड इज डिनोटेड बाय द 3x। ठीक है, ये हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे कि जो एड्रेस फील्ड्स हैं उसको हम 3x के साथ यानी कि हेक्सा डेसिमल नोटेशन के थ्रू एंड इज इक्विवेलेंट टू 12 बिट एड्रेसेस। ठीक है, ये 12 बिट का एड्रेस जो है उसको रिप्रेजेंट, यानी कि ये देखिए 0 टू 11 हमने यहाँ यूज करा था तो ये एड्रेस फील्ड थी। ठीक है, अगर ये एड्रेस फील्ड है, ठीक है, अगर ये एड्रेस फील्ड है तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसका साइज़ क्या है, 0 से लेकर 11 तक। ठीक है, तो टोटल 12 बिट्स हो गई, 12 बिट्स हैं तो हम इसको 3x यूज़ करेंगे हेक्सा डेसिमल कोड के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए, और हेक्सा डेसिमल नोटेशन में हम इसको स्टोर कर सकते हैं एंड इज इक्विवेलेंट टू 12 बिट एड्रेस। द लास्ट मोड बिट इज द इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट बाय द सिंबल आई, व्हेन आई इज इक्वल टू 0 द लास्ट 4 बिट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन हैव द हेक्सा डेसिमल डिजिट इक्विवेलेंट टू 0 to 6। जी हाँ, मेमोरी रेफरेंस पे हम बात कर रहे हैं, अगर फर्स्ट बिट 0 से लेकर 6 तक की वैल्यूज होंगी और बाकी 3 क्या होंगे, x होंगे हमारे पास। ठीक है, जैसे लिखा होगा 0xxx, 1xxx, 2xxx, ठीक है, तो अप टू 6 तक होगा, सिंस द लास्ट बिट इज 0। ठीक है, सो इफ आई इज इक्वल टू 1 तो 8 से लेकर e तक हम, यानी कि 4 बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन हैव अ हेक्सा डेसिमल डिजिट इक्विवेलेंट फॉर 8 टू e, सिंस द लास्ट बिट इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए, एंड ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी इज नॉट नीडेड। ठीक है, ऑपरेंड जो है फ्रॉम मेमोरी इज नॉट नीडेड, देयरफॉर द अदर 12 बिट्स आर यूज टू स्पेसिफाई द ऑपरेशन और टेस्ट टू बी एग्जीक्यूटेड। कौन सा टेस्ट जो है वो एग्जीक्यूट करना है, किस एड्रेस से हमें डेटा लेकर आना है, एंड सिमिलरली एंड द इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन डज नॉट नीड अ रेफरेंस टू मेमोरी एंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑपरेशन कोड दैट इज 111 विद अ 1 इन द लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। द रिमेनिंग 12 बिट्स आर यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और टेस्ट परफॉर्म। क्या टेस्ट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है, वो रिमेनिंग 12 बिट्स जो हैं वो स्पेसिफाई करेंगी। अब चलिए, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो हमें बार बार आएंगी, तो उससे पहले मैंने सोचा कि इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को आप लोगों के साथ डिस्कस कर लीजिए, कर लेते हैं। तो फर्स्ट आता है इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, एन ऑपरेंड टू एन इंस्ट्रक्शन विच रेफरेंस मेमोरी। ठीक है, ऑपरेंड जिस में इंस्ट्रक्शन आया वो किस मेमोरी रेफरेंस पे एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ से किस मेमोरी से हमें वो डेटा लाना है। सो बेसिकली इनक्लोज, अब ये इसको देखिए हम क्या करते हैं, इफेक्टिव एड्रेस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट आता है बेस प्लस ब्रैकेट में हम लिखेंगे इंडेक्स इनटू स्केल। ठीक है, स्केल कितना है, और प्लस डिस्प्लेसमेंट, मुझे डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कितना यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एन 8 16 32 बिट जो वैल्यू है वो हमें दी होती है कि हमें कितनी उसमें यूज़ करनी है। 8 बिट रजिस्टर है, 16 बिट है, 32 बिट है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या होती है, वैसे तो स्टार्टिंग वैल्यू को हम बेस वैल्यू बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ द जनरल पर्पस रजिस्टर। इंडेक्स भी आती है, इंडेक्स जैसे आप लोगों ने बुक्स में इंडेक्स देखा होगा, तो उस इंडेक्स से हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं जिस भी टॉपिक को हमें स्टडी करना होता है, वही इंडेक्स वैल्यू यहाँ भी समझ आएगी आपको, द वैल्यू ऑफ द जनरल पर्पस रजिस्टर। यानी कि बेस और इंडेक्स जो है वो दोनों ही आपको मिलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर में, इसकी वैल्यू स्टोर होती है। स्केलिंग फैक्टर आता है, अ वैल्यू ऑफ 2, 4 and 8 दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, ये स्केलिंग फैक्टर है। नेक्स्ट आप कुछ टर्म्स यूज करेंगे, सपोज लाइक DR, वैसे तो ये रजिस्टर्स में आपने पढ़े हैं, लेकिन DR है डेटा रजिस्टर के लिए, AR है एड्रेस रजिस्टर के लिए, IR है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के लिए, PC है प्रोग्राम काउंटर, AC अगर कहीं आपको मिलता है दिखेगा तो डेट विल बी यूज्ड फॉर द एक्युमुलेटर, एंड द SC इज यूज्ड फॉर द सीक्वेंस काउंटर। ठीक है,